हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस, जो यह पार्ट नंबर टू है। दोस्तों, जैसा कि मेरे चैनल पे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीएलटी, यूपी टीजीटी, किसी भी स्टेट की टीजीटी, पीजीटी एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, मेरे चैनल पे थ्योरी वीडियोज, एमसीक्यूज एंड ऑनलाइनर सभी प्रकार के पार्ट्स कराए जाते हैं। जैसे कि आप इन सभी की तैयारी के लिए मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि अभी फिलहाल में आपकी यूपी टीजीटी का आपने फॉर्म भरा हुआ है एंड मध्य प्रदेश का फॉर्म भरा हुआ है, उन सभी के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लगातार जुड़े रहिए, लगातार मैं हर एक पार्ट्स को क्लियर जल्द से जल्द कराने की पूरी कोशिश करूंगी। तो समय वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, गति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो गति विज्ञान यानी किनेसियोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट है, गति विज्ञान के अध्ययन, गति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, गति विज्ञान में शरीर से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है कि आप दौड़ते समय आपका कितना एंगल पर शरीर मुड़ेगा, किस तरफ दौड़ेंगे, आप कोई खेल खेल रहे हैं तो कितना एंगल पर आप मुड़ रहे हैं, कब आपको क्या करना है, ये सभी चीजें आपको गति विज्ञान में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, किनेसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो किनेसियोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट है, मानव शरीर को गति प्रदान करते हैं। तो मानव शरीर को कौन गति प्रदान करता है दोस्तों? ज्वाइंट्स, जो हमारे शरीर के जगह जगह जोड़ होते हैं, वो शरीर को गति प्रदान करते हैं। जैसे कि ज्वाइंट्स वाले वीडियो आप देख करके सभी ज्वाइंट्स और ज्वाइंट्स रिलेटेड मूवमेंट को आसानी से समझ सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एक बार वीडियो देखते ही आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, किनेसिस शब्द का अर्थ है। तो किनेसिस शब्द का अर्थ है गति। किनेसियोलॉजी, किनेसिस प्लस लॉजी, तो किनेसिस का अर्थ है गति और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। तो नेक्स्ट है, लोगस ग्रीक भाषा का अर्थ है। तो लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी कि किनेसियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, किनेसिस प्लस लोगस। किनेसिस का अर्थ है गति और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, यानी किनेसियोलॉजी का अर्थ हुआ गति का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, विज्ञान क्रमबद्ध सुगठित ज्ञान है जो आधारित है किस पर? तो यह आधारित है परीक्षित, सत्यापित, सुव्यवस्थित एवं वर्गीकृत प्रेक्षणों पर आधारित है, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक किसे मिलाकर नए विज्ञान, गति विज्ञान का निर्माण करते हैं? तो यह रचना विज्ञान और क्रिया विज्ञान दोनों मिलाकर के नए विज्ञान, गति विज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है, गति विज्ञान दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन से दोस्तों? यह बना है किनेसिस और लोगस, जिसमें से किनेसिस शब्द का अर्थ है गति और लोगस का अर्थ है विज्ञान, अध्ययन करना। यानी कि किनेसिस का अर्थ हुआ गति और लोगस का अर्थ हुआ अध्ययन करना, यानी किनेसियोलॉजी का अर्थ हुआ गति का अध्ययन करना। नेक्स्ट है, अरस्तु ने गति अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की। तो अरस्तु ने गति के अध्ययन के संबंध में पुस्तकों की रचना की है, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ एनिमल, मोमेंट ऑफ एनिमल एवं प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल। इन तीनों पुस्तकों की रचना की है अरस्तु ने गति के अध्ययन के संबंध में। नेक्स्ट है, गति विज्ञान को विकसित करने में भूमिका निभाई। तो गति विज्ञान को विकसित करने में विशेष भूमिका निभाई है अरस्तु ने। नेक्स्ट है, विज्ञान क्रमबद्ध एवं सुगठित ज्ञान है, यह कथन कैसा है? तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मूलभूत संधियों की गतिविधियां हैं। तो क्या है?
हमारे मूलभूत सभी की गतिविधियां हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन आदि मूवमेंट होते हैं। रोटेशन मूवमेंट ज्यादातर हमारे कंधे और हिप में होते हैं। नेक्स्ट है मांसपेशियों की गति की ज्यामिति व्याख्या एवं रचना का श्रेय दिया जाता है, तो इसको दिया जाता है अरस्तु को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की गति की ज्यामिति व्याख्या और रचना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो अरस्तु को दिया जाता है। नेक्स्ट है किनेसियोलॉजी यानी गति विज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र है, तो यह अध्ययन किसको किसको मिलाकर करता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है मांसपेशियों में ज्यामितीय व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है, तो किसको जाता है, अरस्तु को। मांसपेशियों में ज्यामितीय व्याख्या करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है तो अरस्तु को। नेक्स्ट है गति विज्ञान में मानवीय निष्पादन से संबंधित गतियों का अध्ययन है, यह कथन है, तो यह कथन पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट है किस विद्वान ने चलने की क्रिया का विश्लेषण एवं विवेचन किया है, तो अरस्तु जी ने किया है। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है अरस्तु। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक है अरस्तु। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एनिमल्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके भी पुस्तक के लेखक है अरस्तु। यानी प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स, पार्ट्स ऑफ एनिमल्स, मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स, इन तीनों पुस्तकों के लेखक है अरस्तु। नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन ने नियम प्रतिपादित किए हैं, तो कौन सा नियम प्रतिपादित किए हैं सर आइजैक न्यूटन ने, गति के तीन नियम प्रतिपादित किए हैं। कितने नियम, गति के तीन नियम। इन्होंने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 में इस नियम को प्रकाशित किया था। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। और इन्होंने गति के तीन नियम को प्रकाशित किया, जिसमें से पहला नियम है जड़त्व का नियम, जिसे जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, गलीलियो का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। और द्वितीय नियम इन्होंने त्वरण का नियम, जिसे संवेग का नियम भी कहते हैं, एंड इसको इंग्लिश में मोशन, लॉ ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन या मोमेंटम या बल के प्रतिफल का नियम भी कहते हैं द्वितीय नियम को। और तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे एक्शन एंड रिएक्शन नियम या काउंटर फोर्स लॉ या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन भी बोला जाता है। तो इसके गति के तीनों नियमों को डिटेल में पढ़ने के लिए आप गति के नियम न्यूटन्स लॉ को आप देख सकते हैं किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स के प्लेलिस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है चलने की क्रिया में अरस्तु द्वारा गतियों का उल्लेख किया गया है, तो चलने की क्रिया में इन्होंने अरस्तु जी ने घूर्णन गति और स्थानांतरित गति का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति विज्ञान को कहा जाता है, तो गति विज्ञान को बल विज्ञान, पेशीय विज्ञान, अंग संचालन विज्ञान आदि नामों से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट है विराम के विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, तो विराम की विपरीत दिशा को हम कहेंगे गति। यदि दोस्तों जड़त्व के नियम के अनुसार, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार, जड़त्व के नियम के अनुसार कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई वायु बल न लगाया जाए। तो विराम की विपरीत दिशा को गति कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है गति का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, यह शुद्ध गतिकी विज्ञान एवं बल गतिकी में किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तु में दोनों एक साथ हो सकती हैं, तो कौन हो सकता है, तो सरल रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ हो सकता है। नेक्स्ट है गति एवं विराम सापेक्षिक शब्द है, यह कथन कैसा है, तो सत्य है, गति और विराम क्या सापेक्षिक शब्द है।
नेक्स्ट है, मानव शरीर एक जटिल रचना नहीं है, यह कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि मानव शरीर जो है एक जटिल रचना है, इसमें क्या क्या है? नहीं है। नेक्स्ट है, मानव शरीर एक जटिल रचना है जिस पर सिद्धांत लागू होता है, तो कौन सा सिद्धांत लागू होता है दोस्तों? यांत्रिकी एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान का सिद्धांत इस पर लागू होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना आधारित है, तो मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना किस पर आधारित है? तो यह जैव यांत्रिकी पेशीय एनाटॉमी और न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछ सकता है तो मानव शरीर का प्रभावशाली ढंग से कार्यशील होना किस पर आधारित है? तो यह जैव यांत्रिकी पेशीय एनाटॉमी और न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है, यह नियम लिए गए हैं, तो गति विज्ञान में नियमों का प्रयोग किया जाता है, यह नियम किससे लिए गए हैं? तो यह जैव यांत्रिकी विज्ञान से, अभ्यास मनोविज्ञान से एवं जैव रसायन एवं खेल समाज शास्त्र से लिया गया है। नेक्स्ट है, गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो गति विज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत गति की गुणवत्ता एवं संपूर्ण मानव स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में गति करने में आवश्यकता होती है, तो किसी वस्तु की में अगर गति करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? वाह्य बल की। किसकी आवश्यकता होती है? वाह्य बल की। जैसा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई वाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों के घायल हो जाने पर वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, तो क्या अध्ययन करते हैं? तो उसे वैज्ञानिक शरीर क्रिया विज्ञान, रचना विज्ञान एवं जैव यांत्रिकी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है, हृदय पेशियां कार्य करती हैं, तो हृदय पेशियां जीवन प्रयत्न कार्य करती है, जब यह रुकती है तो इंसान की मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट है, जैव यांत्रिकी विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, तो किसका? जीवित प्राणियों द्वारा लगाए गए बल का एवं गुरुत्व केंद्र का अध्ययन किया जाता है जैव यांत्रिकी विज्ञान। किसमें? क्या? जीवित प्राणियों द्वारा लगाए गए बल का एवं गुरुत्व केंद्र का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जैव यांत्रिकी विज्ञान में, यानी कि बायो मैकेनिक्स में। इस प्रकार दोस्तों शरीर के गति के अध्ययन को हम किनेसियोलॉजी यानी कि गति विज्ञान कहते हैं। उसी प्रकार जैव यांत्रिकी विज्ञान में जो प्राणी जिस वस्तुओं यानी कि इक्विपमेंट का उपयोग करता है, किस प्रकार से उस पर बल लग रहा है, गुरुत्व केंद्र लग रहा है, इन सभी का यानी कि जीवित प्राणियों द्वारा लगाए गए बल एवं गुरुत्व केंद्र का अध्ययन करता है जैव यांत्रिकी विज्ञान। यानी कि शरीर की गति और इक्विपमेंट दोनों को सम्मिलित रूप को कहा जाता है जैव यांत्रिकी विज्ञान। नेक्स्ट, दिशा व परिणाम होने के कारण बल क्या है? एक सदिश राशि। दोस्तों दिशा और परिणाम होने के कारण बल क्या है? एक सदिश राशि है, यानी जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं उसे अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद की गतिविधियों में खिलाड़ी गति उत्पन्न करते हैं, किसके द्वारा? दोस्तों मांसपेशीय बल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा खेलकूद में की गतिविधि में खिलाड़ी गति उत्पन्न किससे करते हैं? तो मांसपेशीय बल से। नेक्स्ट है, अरस्तु ने अपने किस पुस्तक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है? उन्होंने मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स नामक बुक में पशुओं के शरीर को यांत्रिकी व्यवस्था माना है। नेक्स्ट है, खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है, तो जो खेलों में संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है वो होता है सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व केंद्र। जिसका गुरुत्व केंद्र जितना ही नीचा होगा उसका संतुलन उतना ही अच्छा होगा। जैसा कि आपको पता है कि महिलाओं का गुरुत्व केंद्र पुरुषों से ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण महिलाएं संतुलन वाली क्रियाएं ज्यादा अच्छे से कर लेती हैं, और बच्चों का गुरुत्व केंद्र
पुरुषों से भी ऊपर होता है। महिलाओं का ज्यादातर तो पूछता है कि महिलाओं का ग्रोथ स्पेन पुरुषों की अपेक्षा कहाँ होता है, तो नीचे होता है, यदि आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उनका हिप वाला हिस्सा जो होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है। इसलिए किसी की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होगी दोस्तों, एक भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कोई गारंटी नहीं है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। किसी की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होगी, के आई एन ई एस आई एल एस आई ओ एल ओ जी वाई, ठीक है, किसियोलॉजी। नेक्स्ट है पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों की गति का अध्ययन किया जाता है। तो जो पानी में तैरने वाले सजीव प्राणियों का अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है द्रव्य यांत्रिकी, द्रव्य गतिकी विज्ञान में। किसमें? द्रव्य गतिकी विज्ञान में। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। तो शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित तैराकी में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है क्या? जैव यांत्रिकी विज्ञान। किसका? जैव यांत्रिकी विज्ञान। नेक्स्ट है गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय मिलता है। तो गति के नियमों को प्रतिपादित करने का श्रेय है सर आइजैक न्यूटन का। नेक्स्ट है सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों को प्रतिपादित किया गया है? तो इन्होंने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है न्यूटन के प्रथम नियम को जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम तथा जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जैव यांत्रिकी विज्ञान से हमें ज्ञान मिलता है। तो क्या ज्ञान मिलता है हमको? बल आघूर्ण, गुरुत्व केंद्र, संतुलन, ऊर्जा सामर्थ्य, कार्य गति आदि का अध्ययन आदि का पता या ज्ञान हमें मिलता है जैव यांत्रिकी यानी बायो मैकेनिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षक खिलाड़ियों को परिचित करवाता है। जो खेल प्रशिक्षक होता है वह काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स से परिचय करवाता है। तो दोस्तों ये था किनेसियोलॉजी एंड बायो मैकेनिक्स रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए और डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए, और पूरी जोर से, पूरी मेहनत से, पूरे शिद्दत से, पूरे उत्कंठा से, पूरे मोटिवेशन से, पूरी प्रेरणा से तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो लगातार मेहनत कर रहा है। एक दिन मेहनत करने से कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों, आज के कॉम्पिटिशन के युग में, आज के भ्रष्टाचार के युग में। तो आप पूर्णतः लगे रहिए, और फर्स्ट बार वीडियो कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।